क्वेश्चन लिखिएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल एवं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? क्वेश्चन लिखिएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल एवं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? इसका एस आई यूनिट एवं बीमा सूत्र लिखें। इलेक्ट्रिक डायपोल एवं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? इसका एस आई यूनिट एवं बीमा सूत्र लिखें। इसका एस आई यूनिट एवं बीमा सूत्र लिखें। लिखा, इलेक्ट्रिक डायपोल एवं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? इसका एस आई यूनिट एवं बीमा सूत्र लिखें। बेटा एम आई कर ही दिए हैं, ठीक है, पूछा जाएगा, ही पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। इलेक्ट्रिक डायपोल एवं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? इसका एस आई यूनिट एवं बीमा सूत्र लिखें। आंसर में इलेक्ट्रिक डायपोल लिख के डैश दीजिएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल लिख के डैश दीजिएगा। आंसर में इलेक्ट्रिक डायपोल लिख के डैश दें। सुन ध्यान से समझिए, और ये जो है इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसका पूछा जाता है ऐसा ही मात्र 100% पूछा जाएगा। खाली ध्यान सुना परिभाषा, दो समान, समान बोले तो बराबर, एक तरफ Q एक तरफ Q, दो समान ठीक छ, एवं विपरीत, विपरीत का मतलब एक तरफ माइनस एक तरफ क्या प्लस। फिर सुन ध्यान से परिभाषा, दो समान एवं विपरीत चार्ज के युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, के युग्म को इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। क्या मतलब? दो समान एवं विपरीत चार्ज के युग्म को इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। क्या मतलब? इसका मध्य बिंदु अगर मान लीजिए O है, आधी लंबाई L है, और आधी लंबाई L है, तो टोटल लंबाई क्या हो जाएगा 12, 12 को क्या कहते हैं? डायपोल लेंथ, याद रहता हो, द्विध्रुव की लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई। क्लियर से हो ना, समझ में लो? फिर सुन ध्यान से परिभाषा, एक बार फिर सुनिए, दो समान एवं विपरीत चार्ज के युग्म को इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। क्या था बोले भाई, नहीं ले लिया तीन दो, दो समान एवं विपरीत चार्ज के युग्म को इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं, और दोनों चार्ज के बीच की लंबाई कितनी होती है बेटा 12 को क्या बोलते हैं? डायपोल लेंथ, ठीक छ, क्लियर। चल लिख पड़ी सर, दो समान एवं विपरीत चार्ज के युग्म को, युग्म समझें जाए जोड़ा, हाँ, दो समान एवं विपरीत चार्ज के युग्म को इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। चलिए इसको उतार लीजिएगा, बोर्ड पे लिखा हुआ उसको उतार लीजिएगा।
अगला लाइन चेंज करके इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लिख के दे दीजिएगा। लाइन चेंज करके इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लिख के दे दीजिएगा। सुन ध्यान से, परिभाषा सुनिए। चार्ज के परिमाण, बोले तो चार्ज क्यू, ठीक छो, चार्ज के परिमाण एवं डायपोल लेंथ, डायपोल लेंथ बोले तो 2L के गुणनफल को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। याद लो, फिर से बोल दियो, चार्ज के परिमाण एवं डायपोल लेंथ के गुणनफल को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। याद लो रहा है, फॉर्मूला क्या बोलेंगे बेटा, P बराबर क्यू इंटू क्यू, क्या है बेटा चार्ज, और 2L क्या है बेटा, याद रहेगा ना, बोलिया ना, कोई बोल तो व्हाट इज योर नेम, क्या P बराबर क्यू इंटू 2L, ठीक छो। अब देखो बेटा इन वेक्टर फॉर्म, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे सदिश रूप में, ठीक है, अगर इसको हम सदिश रूप में लिखेंगे तो सदिश रूप में हो जाएगा बेटा ये P वेक्टर बराबर Q इंटू 2L वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर के रूप में हुआ। फॉर्मूला याद रहा, अगर हम आपसे पूछेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या बोलेगा, P बराबर Q इंटू P, क्या है बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, P किसका सिंबल है, Q क्या है बेटा, 2L क्या है बेटा, याद हो गया सबका, लिखिए मैं बाबा, देखिए चार्ज के परिमाण ब्रैकेट में Q, चार्ज के परिमाण, ए बाबू हम आप बोले से परिमाण तो लिखे निर्माण, चार्ज के परिमाण ब्रैकेट में Q एवं डायपोल लेंथ, एवं डायपोल लेंथ ब्रैकेट में 2L, लेंथ का स्प्रिंग सुधार ले बाबू, लास्ट टाइम ये शिकायत सुधर, ब्रैकेट में 2L के गुणनफल को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं, के गुणनफल को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। इससे प्राय है इसे प्राय है पी या पी वेक्टर से सूचित किया जाता है, छोटी पी है बाबू, अच्छा पी बड़ी की छोटी लिखे हैं, छोटी है ना, छोटी लिखना है आपको, नहीं इसको बोले, इसे प्राय पी या पी वेक्टर से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है अर्थात फॉर्मूला उतार दोनों बोर्ड पे लिखा हो, फॉर्मूला उतार लीजिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला याद हो गया सबको, क्या फॉर्मूला बोलिएगा, पी बराबर क्यू इंटू, ठीक है,
लिख लें, फिर एक फॉर्मूला याद लो, फॉर्मूला बोलते हैं पी बराबर, पी क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, क्यू क्या है बेटा, चार्ज कैसा है मात्रक, कूलम, एल क्या है लंबाई, लंबाई कैसे है मात्रक, मीटर, इसके ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम मीटर, ठीक छा, लिख स्टार देखा, इसका ऐसा यूनिट कूलम्ब मीटर होता है, अंग्रेजी में कूलम्ब मीटर ऐसे लिखे हैं, ए गो सी कैपिटल एम स्मॉल, ऐसा नहीं, दोनों स्मॉल लिखवाए सेंटीमीटर हो तो, दोनों कैपिटल लिखवाए सी एम चीफ मिनिस्टर हो तो, अब कुछ बच्चा क्या करता है सी ऐसे लिख देता है आ एम नीचे से बुतरू के ना कंगारू में बुतरू छिपा रहता है, ऐसे ऐसे नहीं लिखना है आपको, ऐसे ही लिखना जैसे बोर्ड पे लिखे हैं सी कैपिटल बगल में एम स्मॉल लगना चाहिए, लिखिए इसका ऐसा यूनिट कूलम्ब मीटर होता है, इसका ऐसा यूनिट कूलम्ब मीटर होता है, कूलम्ब मीटर होता है, विस्तार से लिखिएगा, सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट लिखो लिखो, सीजीएस सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट स्टैट कूलम्ब सेंटीमीटर होता है, स्टैट कूलम्ब सेंटीमीटर होता है, सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट स्टैट कूलम्ब सेंटीमीटर होता है, वही पर स्टैट कूलम्ब सेंटीमीटर होता है, लिख लें स्टार देख लिखें, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, फिर स्टार देख लिखें, इसका बीमा सूत्र, इसका बीमा सूत्र, बीमा सूत्र लिखिए इसका एल टी आई या एल टी ए, इसका बीमा सूत्र एल टी आई या एल टी ए होता है, विस्तार देकर लिखा है, इसका अन्य मात्रक, इसका अन्य मात्रक डेबाई डीई बी वाई ई, की पढ़े डेबाई दवाई नहीं पढ़ी है कोई, डेबाई होता है, इसका अन्य मात्रक डेबाई होता है, ठीक छ, स्टार देख लिखे हैं, एक डिवाई बराबर इसका मान होता है बेटा, एक डिवाई बराबर 3.3 या 3.0 ही रहता है गुना 10^-30 कूलम्ब मीटर, 3.3 भी कहीं कहीं मिलेगा, ये भी रहता है इसका कहीं के मान 3.3 गुना 10^-30 कूलम्ब मीटर, ये भी कहीं कहीं मिलेगा, दोनों मान रहता है, दोनों उतार लीजिए आप लोग,
देख लो अब स्टार देख लास्ट पॉइंट लिखा है, सबसे लास्ट हमारे एमआई करी दिया करा, एकदम याद रखे लिए जब भी पूछो करा जवाब देना छू। सुन क्या एमआई याद करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा जो होती है कहाँ से कहाँ, निगेटिव से पॉजिटिव क्यों। अच्छा सुन, अगर आपसे पूछेंगे नाम तो किसका नाम बताएगा, पापा का कि मम्मी का, पापा का कि अपना बताइएगा, रे अपना नाम बताइएगा। अगर पूछेंगे पिता का नाम तब पिता का नाम, नाम के पहले अगर पिता जुड़ेगा तब पिता का नाम होगा। उसी प्रकार का अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, तब बोलेंगे पॉजिटिव से निगेटिव। लेकिन अगर पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, तब बोलेंगे निगेटिव से पॉजिटिव। समझ में लो, लिख स्टार्ट देखा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, याद रहता हो ना, कि जिंदगी भर ने भूलिया है, याद रखिल मैं एम आई कर, एक एम आई मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एम आई कर, हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक छो। अगर सुनो, अगर पूछेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, क्या बोलिएगा, पॉजिटिव से निगेटिव। लेकिन अगर बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, तब क्या बोलिएगा, निगेटिव से पॉजिटिव। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। अब सुन ध्यान से, देखिए ये जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, और दूसरा आप लोग जान रहे कि अभी इलेवंथ का एग्ज़ाम का टाइम है, ठीक है, तो उस आप लोग का भी एग्ज़ाम आज से शुरू हो गया होगा, हो भी जाएगा, आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा कि रे, एग्ज़ाम देने जाएगा ना, कहाँ एडमिशन है, महादेव सिंह में तब तो हैं, नारायणपुर, हाँ तब तो आपको जाना भी दिल्ली पड़ेगा, तो इसीलिए अब उस पर भी विचार विमर्श हो रहा है, ठीक है।